नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने वरिष्ठ कांग्रेसी भगवान सिंह चावड़ा, शौकत हुसैन, मनीष चौधरी के नेतृत्व में एसपी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं पर राज्य की बीजेपी सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, वह ठीक नहीं है। समय बदलता है, कहीं ऐसा न हो कि यह सब चीजें परिपाटी बन जाए और सरकार जब कांग्रेस के हाथ में हो तो हमसे भी यह सब होने लगे। हम नहीं चाहते गलत परंपरा डाले, मगर हम इस तरह की गलत परंपराओं का विरोध करते हैं और इसके पीछे हमें जितनी भी बार सड़कों पर आना पड़ेगा हम आएंगे और सरकार के द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी कृत्य को लेकर आंदोलन करते रहेंगे। इस विषय पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शौकत हुसैन, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता मनीष चौधरी ने एसपी संपत उपाध्याय से बात करते हुए कहा कि इस विषय पर नवागत पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने कहा कि इस बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी करते रहे। देवास से केकेआर न्यूज के लिए डॉक्टर रईस कुरैशी की रिपोर्ट। दो मिनट वहां से फ्री होके मैं बुला लो। किसी को भी कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं, एफआईआर नहीं, और कोई इतना बड़ा केस देना चाहते हुए अगर बनाया भी था किसी की शिकायत पे तो देवास थाने के अंदर यहीं पे जमा हो जाएगी। ये तो हमारे युवाओं को मतलब एक तरह से भयभीत किया जा रहा है और ये आप प्रशासन नहीं कर रहे, हम तो समझ रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कभी हमने ऐसा नहीं करा सब आज तक। सर, और नई परिपाटी का जनजन हो जाएगा। राहुल जी इनको रोज डेली अनशन बोलते हैं। हमारे कमलनाथ जी को चित्र में भी एक यहाँ कीचड़ डाल दिया था राजेश साहब को, उन्होंने कहा नहीं यहाँ ठीक गलती हो गई, मानो हम आपस में मिलकर बात करें। सर, एनिमिटी की बात कर रहे हैं तो कल हमारे संजय का हर्जिकान पे काफी छोटा है ना, हम लोगों ने भाई की बात को दबा दिया। हमारा एक साथी का आईसीयू भर्ती हुआ, मीडिया वाले या अमित भाई आप सब लोग मौजूद थे, हमने कहा कि नहीं ठीक है यार, प्रदर्शन साथ में कब जाती सब हम भी समझते बातों को, लेकिन इस तरह की कार्रवाई की फिर थाने पर आपसे वहाँ पहुँचे, आपसे कोई बात करी और जिस मामले में नोटिस हमारे मिल जाती है उसमें सीधा सीधा उसको भेज दिया गया। सर ठीक है, वो भी कानूनी बात है आपकी, ठीक थी, लेकिन सर कहीं ना कहीं भाषा विरोधी स्वतंत्रता का खंडन हो रहा है। हम लोग मतलब विपक्ष में बैठे तो कोई ना कोई मुद्दा उठाएंगे ना, बात तो करेंगे ना, और आंदोलन तो नहीं कर पाएंगे। कोशिश कर लेते आप, क्या एक आवेदन एमएलसी भी थी, हम भी एक मुंडो से आए थे, हम लोग सब समझ रहे हैं कि क्या स्थिति बन रही है क्या नहीं बन रही, थोड़ा तो समझना पड़ेगा कि वरना कल को सीएम साहब भी आने, बहुत से लोग होते हैं। फिर कांग्रेस पार्टी से हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि हम लोग सब लोग मिलकर एक अच्छा संदेश देते हैं जिले के अंदर, कैसे जाएगा अगर एक तरफा कार्रवाई होंगी तो दमन कर देती है कि अपने जाए तो दमन दमन नहीं। फिर सर आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे मामलों में आने वाले समय में निर्दोष आपको जो है बरी करना चाहिए, दो बच्चों को हमारे कानूनी ये हमारे रिक्वेस्ट है कि जितनी हमारी स्थिति खराब है उससे ज्यादा हम जानते हैं कि सुखद प्रशासन की स्थिति खराब है, कि कानून की जो प्रशासन को नहीं नहीं सर पता नहीं, मेरे को सर मुझे बोलना पड़ेगा, मेरी सॉरी, मेरा मेरे को बड़ा दुख है कल कि कल आरोपी को पहले लाया गया एफआईआर बाद में दर्ज हुई थाने के ऊपर, ये बड़ा दुखद पहलू है। माननीय मंत्री जी थाने में, पूर्व मंत्री जी सचिन वर्मा जी थाने में मौजूद थे और एफआईआर उस दौरान लिखी गई और उस आरोपी को पहले थाने में लाया गया था मोटरसाइकिल से और फिर फरियादी को घर से बुलवाया गया। तो मेरा कहना है कि सर ठीक है, दबाव आपके ऊपर है, हम समझ रहे हैं सारी बातों को, सारी परिस्थितियों को, पर मेरा निवेदन है कि कानून की व्याख्या सही तरीके से हो। क्या वास्तव में कल वो अपराध हुआ भी था और वो फोटोग्राफ अगर उनके पास भी था तो क्या उनके द्वारा क्रिएटेड था वो फोटो? तो सोशल मीडिया पर जज साहब के सामने आप बताओ। नहीं नहीं सर, ये तो हम बताएंगे, मेरा आपसे निवेदन ये था सर इसके अंदर सर मेरा आपसे ये निवेदन है, वही मैं कह रहा हूँ आपको, आगे मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अभी इस वक्त हम सोशल मीडिया पर अगर हम अगर सर्फिंग करने लग जाएंगे तो शायद हम आपके पास 100 शिकायत लेके आ जाएंगे तो आप वो दर्ज तो करोगे नहीं दबाव में हमारे। तो मेरा ये निवेदन है कि सबको जो आप बात कर रहे हो ना फ्रेम करके वो सर कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने मांग की है कि जो दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है वो गलत किया है। कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था, उस में कुछ युवकों द्वारा आपत्तिजनक पोस्टर पाया गया था जिसको संज्ञान में लेते हुए थाना कोतवाली में धारा 505 की कार्रवाई की गई और कार्रवाई के पश्चात उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने आगे की उसको युवकों को जेआर पे भेजा और इस मामले में आगे जो वैधानिक कार्रवाई होगी जांच उपरांत वो कार्रवाई की जाएगी।